दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा नामक युवती की हत्या मामले में हमने बक्सर के लोगों से बातचीत की। बक्सर के लोगों की इसमें अलग अलग राय है। बक्सर के लोगों से जब उन्होंने पूछा कि क्या उस युवती की हत्या लव जिहाद में की गई है, तो कुछ ने इसमें सहमति जताई, कुछ ने ये कहा कि नहीं, इसे धार्मिक रंग देना कतई उचित नहीं है, क्योंकि प्रेम किसी धर्म को देख कर नहीं होता। प्रेम में लोगों को सुरक्षा देने की बात होती है, लेकिन असुरक्षा की बात कभी नहीं होती। जो लोग प्रेम करते हैं वो खुद को सुरक्षित मानते हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उसे सुरक्षा देने का वादा करते हैं। लेकिन जिस तरह से उस युवती की नृशंस हत्या की गई, 35 टुकड़े उसके किए गए, कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि वह प्रेम था ही नहीं। बहरहाल पुलिस तक के शव के टुकड़ों की तलाश फिलहाल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, और पूरे देश के लोग जो हैं नज़र बनाए हुए हैं और अपनी अपनी राय इस पर रख रहे हैं। बहरहाल कई लोगों ने यह भी कहा, कड़ी से कड़ी सज़ा आरोपी को मिलनी चाहिए। जो घटना घटी उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और धर्म के नज़रिए से इसको जोड़ के ना देखा जाए तो ही बेहतर होगा। चूँकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब दरिंदगी और हैवानियत नहीं सिखाता है। दुनिया का कोई भी धर्म हो वो हैवानियत नहीं सिखाता है, दरिंदगी नहीं सिखाता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, या जो भी धर्म हो। वास्तव में जो धर्म का मतलब है, हाँ, क्या बचाव का उपाय हो सकता है, जागरूकता या फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कानून कितना भी कठोर बना दिया जाए, कानून कठोर बनाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी जब तक हम और आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। लीगल अवेयरनेस जरूरी है, चाहे वो श्रद्धा हो। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो श्रद्धा की पद चिन्हों पर चल रही हैं। तो हम प्रेम का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, प्रेम स्वतंत्र होता है। और जहाँ तक इस प्रेम की बात आई, तो जब हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं तो पहले ये चीज़ें देख ले कि हम उसके साथ कितना सेफ हैं कि अनसेफ हैं, उसकी क्या मेंटेलिटी है, या वो मेरे साथ किस तरीके से रिलेशनशिप जोड़ना चाहता है। तो पूरी की पूरी ये जो घटना हुई है, अति क्रूर मानसिकता, और ये कहा जाए कि मेंटली रूप से सिक था, बीमार था, जिसको बहुत तरह की इंटरनल बीमारी रही होगी। या प्रेम जिससे होगा उसकी इतनी निशंस कोई हत्या नहीं करेगा, इतनी दरिंदगी नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रेम तो व्यक्ति को निर्भय कर देता है। प्रेम, जहाँ प्रेम की बात होती है कि जहाँ हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं, दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और उसको पूरी दुनिया की असुरक्षा से हम यह एहसास दिलाते हैं कि आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। और इस घटना को धर्म से जोड़कर और मजहब से जोड़कर हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे जो इसको धर्म के साथ जोड़ के आपसी भाईचारगी में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं कि नहीं, वो मुसलमान था। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो हिंदू प्रेमी जोड़े भी इस तरीके की नृशंस हत्याएं होती हैं। और चूँकि अपराधियों का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, अपराधी का सिर्फ एक ही जाति है कि वो अपराधी है। देखिए, मेरा नाम राजीव कुमार राय, एडवोकेट सिविल कोर्ट बक्सर। और ये बिल्कुल लव जिहाद ही है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ऐसा नहीं सुनने में आया है कि कोई मुस्लिम युवक खास धर्म का और खास अपने ही धर्म के किसी महिला या लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। मगर ऐसी कई घटनाएं विगत साल दो साल में आई हैं सामने, जैसे एक विपरीत धर्म के जो लड़की या महिला हो तो उसके साथ ऐसा कई कृत्य सामने आए हैं। और उस सब कृत्यों में ये सबसे घिनौना कृत्य है कि एक मनुष्य, एक मानव कैसे किसी मनुष्य का, चाहे किसी स्त्री का, इतना नृशंस हत्या कर सकता है 35 टुकड़ों में काटना। ये मानव प्रवृत्ति नहीं बताती है, निश्चित रूप से दैत्य प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यायालय से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त दंड देना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से एक पूरा सिस्टम बना के लव जिहाद, और लव जिहाद चूँकि हम जब से सरकार आई तो लव जिहाद पर बहुत अंकुश लगा, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू बेटियों को बहला फुसला के ये लोग पहले हिंदू बेटियों से संपर्क में आते हैं, खुद हिंदू बन के ये भगवा कलावा बांध लेते हैं, पूजा मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से हिंदू बेटियों के संपर्क में आते हैं, और जब वो हिंदू बेटियाँ उनको हिंदू समझ के उनके संपर्क में आती हैं तो बाद में पता चलता है कि ये तो इस्लाम मानने वाले लोग हैं। तो ये सीधा का सीधा लव जिहाद का मामला है। यहाँ तो मामला था कि बंबल से ये लोग मिले थे, बंबल जो है चैटिंग ऐप है, और वहाँ से इसको भी मालूम था लड़की को कि ये मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार। देखिए, ये एकदम जो मामला है कि उसमें भी धार्मिक मान्यता को ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, माता पिता से अलग रही, कब रही, किस परिस्थिति में, कोई नहीं जानता है। इसको ये लोग गलत रूप दे रहे हैं। माता पिता ने भी कहा था, बाद में कब पता चला कि वो मुस्लिम है, पहले हो सकता है वो लड़का हिंदू बन के ही संपर्क में आया हो उस लड़की के।